अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कि दांतों के दर्द का नुस्खा लेते हैं। ये 1 ग्लास ऑफ वाटर, और ये सॉल्ट, नमक, लाहौरी नमक चाहिए गाइस हमें। ये घरेलू नुस्खा तैयार करने के लिए हमें लाहौरी नमक चाहिए। अगर लाहौरी नमक नहीं है वो ही बेहतर है। अगर वो लाहौरी नमक नहीं रहने की सूरत में घर का कोई भी सादा नॉर्मल नमक ले सकते हैं, ज़्यादा फ़ायदा के लिए लाहौरी नमक बेस्ट है। एक गिलास पानी के लिए या तो इतना सा छोटा सा पीस लें, या हमें बनाकर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये चाहिए एलएलएम वाटर एंड सॉल्ट। गाइस ये फिटकरी ओरिजिनल, ये फिटकरी है, ऐसे चाहिए हमें। बाजार में साबुन के शेप की तरह मिलती, वो नहीं लेना चाहिए गाइस। ये फिटकरी ओरिजिनल ऐसी रहती, कोई भी शॉप्स में कहीं पर भी मिल जाएगी आपको, छोटे मोटे किराना स्टोर पर, शॉप्स पे, या मॉल में, शॉपिंग मॉल वगैरह में कहीं पर भी मिल जाएगी फिटकरी। गैस दादू छोटे बड़े बच्चे जवान बूढ़े सभी के लिए फ़ायदेमंद है ये 5 मिनट्स का नुस्खा, और जो 5 मिनट में इंशाल्लाह असरदार रहेगा। इस वीडियो को जिन्हें ऐसा है कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते उतना ज़्यादा दांत का दर्द होता अगर आ गया तो, और नॉर्मली ये सिर्फ पस भर गया हो या फिर दांत का दर्द हो लाइट या कुछ मसोड़े खुल गए हो, उसके लिए फ़ायदेमंद हो जाए। अगर उसके इस्तेमाल करने के बावजूद भी 3-4 अगर आपको कमी हो तो आप जो दांत का दर्द अंदर तक नसों तक पहुँच गया हो कीड़ा, तो उसे इलाज डॉक्टर ही कर सकते हैं। ये नॉर्मल सिर्फ खुद मसा जाना उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा दर्द है आपको मालूम रहे तो कभी 2-3 दिन के लिए आराम चाहिए आपको हॉस्पिटल जाने तक के, तो ये नुस्खा बहुत ही फायदेमंद होगा। और फिटकरी का और एक भी फायदा है कि ये सैनिटाइजर्स में एल्कोहल वगैरह मिलते हैं, तो उसे हाथों में कई सारे बैक्टीरिया को किल करता है गाइस ये, अपने हैंड्स में के बैक्टीरिया को ऐसा रख करके एटलीस्ट 1 टाइम दिन 30 सेकेंड के लिए डाले गाइस इसके अंदर ग्लास में, एक 1 पीस ऐसा 1 पीस 30 सेकेंड के लिए डाले। 30 सेकेंड में फिर रिमूव कर दें। 30 सेकेंड के बाद ये रिमूव ऐसे निकाल लें। इस गिलास का गाइस पानी देखिए कलर चेंज हो चुका है। इस वाटर से मुंह में पानी लेकर कुल्ली करिए, कुल्ला जिसे कहते हैं ना, कुल्ला वो करिए। हर एक कुल्ली के टाइमिंग 30 सेकेंड का रहना है गाइस। 1 टाइम मुंह में लीजिए, निगलना नहीं, 1 टाइम मुंह में लीजिए और 30 सेकेंड तक रखिए। अच्छा सा इधर से उधर से इधर पूरा अंदर तक मुंह में वो कर घुमाइए वाटर को, उसके बाद फिर थूक दें। पानी पूरा ग्लास ख़त्म होने तक हर एक घूंट 30 सेकेंड का लेना चाहिए मुंह में, उसके बाद थूक दें, निगलना नहीं इसे। हर एक पूरा ग्लास ख़त्म होने तक हर घूंट 30 सेकेंड तक रहना चाहिए आपके मुँह में, और 5 मिनट्स में इंशाल्लाह आप लोगों का दर्द कम हो जाएगा। जो मसोड़े फूल गए हैं, जो दांत का मामूली दर्द है या पस आ गया हो, वो दर्द आसानी से ख़त्म हो जाएगा। इसका बनाने का दूसरा तरीका भी है गाइस। इसमें हमें चाहिए कि सॉल्ट, फिटकरी पाउडर, जिसे हम इसमें मैश करें। अब हमें चाहिए फिटकरी 1/4 कप, ये छोटा स्पून है, छोटा स्पून में फुल स्पून ले, टी स्पून से 1/4 कप स्पून ले डाल एंड नमक
डाल लें, अच्छे से मिक्स करें। देखिए इस वाटर का कलर चेंज हो चुका है। इसे कुल्हा करें, वन टाइम 30 सेकेंड का चाहिए। आप कुल्ली जो कर रहे हैं आप लोग, वन कुल्ली 30 सेकेंड की चाहिए। मुंह में लेकर पूरा पानी को इधर से उधर उधर से उधर घुमाते रहें, 30 सेकेंड के बाद थूक दें, निकलना नहीं गाइस पास। अच्छा लगा, इससे बहुत फ़ायदा होगा। ये पूरा वाटर ख़त्म होने तक ऐसे ही आप कुल्ला करते हैं, इसे निकलना नहीं चाहिए गाइस। कुल्ली करें, कुल्ली के लिए इस्तेमाल करें ये पानी, और हर कुल्ली 30 सेकेंड की रहना चाहिए गाइस। डाल के 30 सेकेंड के लिए रख दें, ठीक है। उसे निकाल कर इस्तेमाल करें।